लोकसभा चुनाव के परिणाम कल यानी 4 जून को जारी किए जाएंगे। इससे पहले आज एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत आते मिलना दिख रहा है। इन पोल्स में विपक्षी गठबंधन को 150 के आसपास सीटें मिलने का दावा किया गया है। इस बीच कांग्रेस संसदीय समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। एग्जिट पोल्स के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसे हमें इस पर इंतज़ार करना चाहिए, बस इंतज़ार करें और देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों से बिल्कुल उलट आएंगे। कल यानी मंगलवार को घोषित होने वाले नतीजों में उनकी उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने कहा कि हम इंतज़ार करना होगा, नतीजे एग्जिट पोल में दिखाए गए नतीजों से बिल्कुल उलट होंगे। दरअसल सोनिया गांधी DMK कार्यालय के आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। यहां से निकलते वक्त उन्होंने यह टिप्पणी दी। इससे पहले सोनिया गांधी ने DMK के दिग्गज नेता AM करुणानिधि को उनके 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। दरअसल ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में अनुमान में जताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहेंगे और भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत मिल सकता है। कुछ एग्जिट पोल्स में तो NDA को 400 से अधिक सीटें दी गई हैं, जबकि अधिकांश में अनुमान जताया जा रहा है कि भाजपा नीत गठबंधन 350 से अधिक सीटें जीतेगा। यह आंकड़ा सरकार बनाने के लिए ज़रूरी 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े से काफ़ी अधिक है। इन्हीं पोल्स में कांग्रेस और अन्य इंडिया ब्लॉक पार्टियों को 150 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। विपक्ष ने एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए दावा किया है कि ये सर्वे काल्पनिक है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कहा था कि इसे एग्जिट पोल्स नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसका नाम मोदी मीडिया पोल है, यह मोदी जी की पोल है, यह उनका काल्पनिक पोल है। कांग्रेस नेता का दावा है कि इंडिया ब्लॉक 295 सीटें जीतेगा और सरकार बनाएगा। इससे पहले करुणानिधि की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि करुणानिधि की 100वीं जयंती के अवसर पर DMK के अपने सहयोगियों के साथ यह आकर मुझे खुशी हो रही है। मुझे कई मौक़ों पर उनसे मिलने, उनकी बातें सुनने और उनसे ज्ञान और सलाह लेने का लाभ उठाने का मौका मिला। मैं उनसे मिलकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस करती थी। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दीं।